भोज के बारे में तो हम सुन लिए, लेकिन यह जिस मंच के तहत यह कार्यक्रम किया गया है उससे आप जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है भैया? बहुत ही गौरवान्वित आदमी महसूस कर रहा है। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इससे बड़ा हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। एक हमारे वो गुलामी का प्रतीक था जो बाबरी मस्जिद थी, हमारे भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, ये सर्वविदित है। बहुत सारे हमारे ही देश के नहीं, बहुत सारे विदेशों के ग्रंथ भी ये बात को सही साबित करते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ और वहाँ पर हमारे भगवान का मंदिर नहीं था, वो आज हुआ। तो इससे बड़ा गौरव का क्षण कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परिचय दे दे। सीए सरोजीत सिंह, प्रतिनिधि जिला परिषद भोजपुर। धन्यवाद। स्वाभिमान भारत मंच के तहत यह जो कार्यक्रम स्थापित किया गया है यहाँ पर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण का प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम लोग लिट्टी चोखा का सहभोज के कार्यक्रम रखे थे और रखे हैं, और इस बढ़हरा विधानसभा के तरफ से सभी नागरिकों को इस स्वाभिमान भारत मंच की तरफ से हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कुछ इसके बारे में, जो मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कुछ लोगों का ऐसा सुनने में आ रहा था कि कार सेवक के द्वारा जाकर के वहाँ बहुत मेहनत किया गया है, बहुत हल्ला गुला भी हुआ, उस पर यदि जानकारी हो तो कुछ चर्चा चाहेंगे। 1989 से हम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। 1989 के पहले से भी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। उसमें 1992 में जो मंदिर मस्जिद को भसाया गया तो हम नहीं गए थे कार्यसभा में, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे मार्गदर्शक देवरिया के श्री वीरेंद्र बाबू थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने रमना के महावीर मंदिर के प्रांगण में धरना दिए थे काला बिल लगा करके। उसमें हम लोग 4-5 घंटा टाउन थाने में बंद थे इस आंदोलन में। उसी समय से प्रयासरत हम लोग हैं मंदिर निर्माण के लिए। आज 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़हरा विधानसभा के आज लिट्टी चोखा के सहभोज कार्यक्रम किए थे राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में। और ये सभी लोग आए, हम लोग सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मंदिर निर्माण के लिए जो लोगों ने सहयोग किया, कितने लोग पैदल चल के गए, और आज जो स्थिति है कि मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, कैसा मैंने महसूस किया कि हो रहा है? 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे भारत की जनता जैसे खुशी महसूस कर रही थी, उसी हमारे सनातन धर्मियों ने खुशी महसूस करा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म को लेकर? धर्म का लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो अभी गर्जियन लोग जो मूर्ति बना दिए हैं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, उसको हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों से आग्रह करेंगे कि मंदिर को बचाने के लिए हम तत्पर रहें। जैसे हम लोग लड़े लड़े मंदिर को बनाने में, वैसे ही अपने आत्मरक्षा और मंदिर को आत्मरक्षा के लिए बराबर तैयार रहें। ठीक है, परिचय दे दे। रमाकांत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, स्वाभिमान भारत मंच, बिहार प्रदेश, आरा भोजपुर।